टकी उस्मानी साहब जो बड़े रिस्पेक्टफुल हैं, उनका नाम ऐसा जोड़ा गया है जस्ट बिकॉज लोकल आई, लोकल आई क्या, वो किसी भी, आपको पता है किसी भी इंसान की दाढ़ी हो और वो की कैप पहने हो तो दे ऑल सो कहते मौलवी साहब जैसे लगते हैं। तो आई थिंक बड़ी नाइंसाफी की है उन्होंने, जिन्होंने मेरे वीडियो को पकड़कर और उस पर मुफ्ती साहब का खत्म लगाकर और उसको बुरा भला कहा है और उसको पोस्ट किया है किसी ने यूट्यूब पर, और वहां से वो चीज इतनी वायरल हुई है कि इट्स स्प्रेड ऑल ओवर। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, अपने प्रोफेशनल फील्ड के बारे में, आपका ताल्लुक किस शोबे से है? जी मैं यहाँ पर रियल एस्टेट में हूँ, वॉशिंगटन डीसी और वर्जीनिया और मेरीलैंड में लाइसेंस्ड हूँ। तो काफ़ी अरसे से रियल एस्टेट में, प्लस मेरा कंस्ट्रक्शन का भी कुछ छोटा सा बिजनेस है वॉशिंगटन डीसी में, और दैट्स प्रीटी मच इट। कंस्ट्रक्शन बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है और रियल एस्टेट बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है बस। जब आपकी इतनी वीडियो वायरल होने के बारे में पता चला, तो इस पर आपका, आपकी फैमिली और सोशल सर्कल का क्या रिएक्शन था? पहले रिएक्शन तो वी एक्चुअली एंजॉयड इट, क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग लगा कि ये अचानक से लोगों को क्या हो गया, दे और यू नो दे लाइक्ड आवर वीडियो। एंड फिर ऑब्वियसली कुछ अफसोस भी हुआ कि उसको लेकर किस तरह उल्मा का मजाक उड़ाया गया है या फिर इस मुफ्ती लोगों को बुरा भला कहा गया है, तो उसका डेफिनेटली बहुत अफसोस हुआ है। और उसके लिए हम मदद हुआ है सब आलम दीन से कि जिस किसी को इस वजह से तकलीफ हुई है, लेकिन हमने कभी अपने नाम के साथ या किसी वीडियो में मुफ्ती का टाइटल नहीं लगाया। तो ये किसी ने जस्ट टिकटॉक की, मेरे वाइफ का कुकिंग चैनल है, उससे टिकटॉक उसके उसके टिकटॉक चैनल से किसी ने ईद की हम लोग की ये पोस्ट थी कि मेरी वाइफ ने पोस्ट किया था, किसी ने उसको वहां से पिक किया और उसको स्प्रेड किया दूसरे सोशल मीडियाज पर। तो टिकटॉक पर ये वीडियो काफी वायरल हुई थी बिफोर पाकिस्तान वायरल होने से। तो पहले तो 2-3 दिन काफी अमेरिका में वायरल रही है, लेकिन फिर जैसे किसी ने पाकिस्तान में इसको किया और वहां से आई गेस इट स्प्रेडेड मोर। वीडियो में एक दो बातें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, जैसे कि ये आपकी चौथी आलिया और ये आपकी स्टूडेंट हैं, तो इन बातों के बारे में कितनी सच्चाई है? अब ये दो बातें ठीक हैं, शी इज माय फोर्थ वाइफ और शी वाज माय स्टूडेंट एज वेल जस्ट फॉर अ मंथ और टू आई बिलीव। आई वाज डूइंग सम कंप्यूटर क्लासेस तो उसमें उन्होंने मैं ज्वाइन किया था। तो दीज टू थिंग्स आर फैक्ट, लेकिन बाकी सब चीजें जो हैं ऑब्वियसली नॉनसेंस और फेक है। आई मीन दे एसोसिएटेड माय वेडिंग एज अ वेरी ग्रैंड वेडिंग जिसमें कुछ डांसर्स आई हैं और इस तरह का हंगामा है, वो सब नॉनसेंस है। अभी भी अभी मैं देखूंगा जब यूट्यूब पे तो इतनी नॉनसेंस किस्म की, कोई मुझे कह रहा है कि मौलाना तारिक जमील साहब इस पर गुस्से में हैं, कोई कह रहा है मौलाना तारिक जमील साहब मुझे दुआ दे रहे हैं, विच इज अ गुड वन, मुझे दुआ दे तो आई वुड बी लकी वन। फिर उसमें मुझे कहा जा रहा है कहीं पर कि मैं इसराइल का एजेंट हूँ, हम लोग इसराइल के प्रोपोगंडे पर ये किया हमने, आई मीन टोटली डजंट मेक एनी सेंस, और इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया है। तो इस तरह की बहुत सारी वाहियात किस्म की बातें, अनरिलेटेड बातें, आमिर लियाकत साहब मेरे पीछे हैं फॉर व्हाटएवर रीजन, और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है टोटली नॉनसेंस। और जिस किसी ने ये शुरू किया है तो उसने एकजुट साथ लगाया, लेकिन वो स्प्रेड होते होते लोगों ने कितने न जाने थाउजेंड्स ऑफ फेक इंफॉर्मेशन उसमें ऐड की है, तो जो कि ऑब्वियसली देख के थोड़ा दुख होता है, लेकिन साथ का साथ वो एक फनी फैक्टर भी है कि उसमें बहुत सारे लोग तरह तरह के कमेंट्स दे रहे हैं। ऑब्वियसली वी डिडंट गो इन ऑल, लेकिन इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग फ्यू ऑफ देम। जिन लोगों ने ये वीडियो वायरल किया है, उन्होंने बहुत ही गलत मवाद उसमें ऐड किया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सोशल मीडिया को? सोशल मीडिया कोई एक इंसान तो नहीं है कि जिसको एड्रेस किया जा सके। सोशल मीडिया इज ऑलवेसली ऑल ऑफ अस, हम सब इन्वॉल्व है उसमें। तो आज के दौर में इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, इट्स नॉट पॉसिबल। तो लेकिन बीइंग यू नो बीइंग सोशल मीडिया इज अ प्रिविलेज व्हिच वी हैव टू स्प्रेड अवर वर्ड, तो आई थिंक वी शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल व्हेन वी यूज दैट। और ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू नो के हम हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि हम क्या स्प्रेड कर रहे हैं, और सुनी सुनाई झूठी बात को आगे फैलाना तो वैसे ही झूठ है आप सब के मुताबिक। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, सो आई थिंक ऑब्वियसली लॉज हैं जो प्रिवेंट करते हैं और करने के लिए, लेकिन इट्स ऑल लेंथी प्रोसेस और उसको क्रैक डाउन करना भी प्रोसेस है। तो आई मीन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रियली गवर्नमेंट्स कि वो किस तरह अपने मीडिया को वॉच करें। तो ऑब्वियसली देर आर रूल्स एंड रेगुलेशन इन प्लेस, लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेट हमारे मुल्कों में ज्यादा, पाकिस्तान इंडिया वगैरह में ज्यादा, कि वो उसको चेक एंड बैलेंसेस बहुत कम है।
और ऑब्वियसली दिस इज आवर वीकनेस, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू नो टू दिस गवर्नमेंट, हम सब गवर्नमेंट से कि इसमें इनिशिएटिव लें, कुछ लोगों के लेके आए जो कि कुछ कर सकें। अभी मजाक बना हुआ है, एक दिन वो कहते हैं कि टिकटॉक बैन है और नेक्स्ट डे यू सी के 6 साल का बच्चा टिकटॉक यूज कर रहा है, तो वो 6 साल का बच्चा सीम्स लाइक इज मच मोर यू नो सेंसिबल देन द सेंसिबल पीपल वी हैव हु आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल दिस मीडिया। तो इसको हुदाया प्लीज आप यू नो इसको गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सीरियस नोट पे लें, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड सोशल मीडिया इज ओनली गोना स्प्रेड मोर, सो आई थिंक इट्स टाइम दैट वी नीड टू गेट इनटू इट एंड पुट सम चेक्स एंड बैलेंसेस एंड मेक श्योर इट्स वर्क इट वर्क्स एज वेल। अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी अहलिया से कुछ सवाल कर सकते हो। जी श्योर, व्हाई नॉट। वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम। आप अपने बारे में कुछ बताएंगी हमें? जी मैं अपने बारे में बताऊंगी, मैं हाउस वाइफ हूँ और इसके अलावा मेरा कुकिंग चैनल है जहाँ पे मैं अपनी कुकिंग की वीडियोस पोस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग बनाना अच्छा लगता है और शूट करना अच्छा लगता है। तो मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है टेस्टी ढाबी फूड, और ये जो है वो इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी और टिकटॉक पे भी, तो हर जगह पे मेरे वो कुकिंग का है। तो ये मैंने इतफाक से ऐसे ईद के रैंडम मैंने वीडियो बनाई और मैंने वहाँ पे डाली और वो वायरल हो गई। तो पहले हमने कभी कोई वीडियो नहीं डाली, ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी जो हमने एक साथ डाली है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि मैंने टिकटॉक पे डाली और वहाँ से वो वायरल इतनी हुई कि हमें खुद इस चीज का अंदाजा नहीं हुआ कि ये हुआ क्या है। माशाल्लाह वीडियो में आप बहुत एक खूबसूरत कपल के तौर पे सबके सामने आए हैं, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी मिस्टर आमिर से कैसे पहली मुलाकात हुई और फिर शादी तक कैसे बात आई? हमारी मुलाकात इस तरह हुई थी कि इनके फादर का स्कूल था, तो मैं वहाँ पे टीचिंग करती थी और मैं वहाँ पे स्टूडेंट भी थी, तो ये विजिट करने के लिए आए थे अपने फादर को वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी। तो फिर इन्होंने एक कंप्यूटर क्लास वहाँ पे शुरू की थी कुछ अरसे के लिए, तो फिर मैंने वो ज्वाइन की और उसमें हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई और फिर हमने सोचा कि क्यों ना शादी कर ली जाए। जब ये प्रपोजल मिस्टर आमिर की तरफ से आया तो दोनों फैमिली से क्या रिएक्शन था, खासतौर पर मिस्टर आबिया मिसेस आबिया, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन कुछ खास नहीं था, जैसे मैंने उन्हें कहा तो जब वो इनसे मिले तो फिर मान गए क्योंकि ये एक अच्छे और शरीफ इंसान थे, तो कुछ खास रिएक्शन नहीं था, इसलिए हमारी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो वीडियो वायरल हो रही है 3-4 दिनों से, इसके अंदर लोगों के कुछ मिक्स कमेंट्स आए हैं, कुछ अच्छे भी आए हैं कुछ बुरे भी आए हैं, इन बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में यही कहना चाहेंगे, जिन्होंने अच्छे कमेंट्स किए हैं तो सबसे पहले तो थैंक यू उन लोगों को जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया और हमें बहुत ज्यादा ढेरों दुआएं दी, और जिन्होंने बुरे कमेंट्स किए उनके लिए सिर्फ दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत दे जो किसी भी जगह पे आके अपनी सोच को डालना शुरू कर देते हैं। मिस्टर आमिर, आप काफी अरसे से बाहर मुकीम है और आपका इंटरेक्शन आई डोंट नो पाकिस्तानी अवाम के साथ कितना ज्यादा है या पाकिस्तान का आना जाना आपका कैसे है, तो आप पाकिस्तानी अवाम को इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं काफ़ी अरसे से US में ही हूँ, तो quite long time. तो पाकिस्तान से लेकिन मैं काफ़ी इन टच हूँ पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हैव अ सेकंड होम इन पाकिस्तान, चक्कर लगता रहता है मेरा, आई एम फ्रॉम लाहौर एज़ आई सेड, तो काफ़ी क्लोज टाइज हैं पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहना बस ये चाहेंगे पाकिस्तानियों को कि आप सब बल्कि सब मुसलमानों को और अपने आप को भी कि ऑब्वियसली बींग अ मुस्लिम इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस्लाम को फॉलो करें, obviously it's our responsibility to follow it all, इसमें कुछ कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर बंदा अपनी जगह पर कोशिश करता है, तो अगर मेरी कोशिश से मैंने कुछ इस्लामिक कोशिश की वजह से I changed my character which looks like Muslim, तो please खुदाया उसको आप negative use ना करें और उसको आप उस positivity को मेरी wife पे negativity ना करें, क्योंकि she is adult, she has her own life, तो obviously I do advise her कि she should cover, लेकिन I cannot force her, so I mean force तो obviously आप नहीं किसी को कर सकते, force करा के आप किसी को काम कराएंगे तो obviously उस काम में वो मजा ही नहीं है, तो इंशाल्लाह आई होप कि she will do इंशाल्लाह वन डे। और बाकी अपने पाकिस्तानियों से सबसे ये इल्तजा है कि और नेगेटिव कमेंट्स जो ज़्यादा आए हैं, आई मीन मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑब्वियसली, अगर ये मेरे वाइफ मेरे साथ होती और मेरा हुलिया एज अ मुस्लिम ना होता तो आई गेस दिस वॉज नॉट अ कंसर्न, सो विच एक्चुअली इज अ शेमफुल थिंग फॉर अस कि अगर एक बंदा इस्लामिक लुक लाइक में है तो उसको टीज करना एक किस्म का फर्ज बन गया हम लोगों पर, और अगर खुद हम इस्लामिक लुक लाइक में नहीं है तो फिर हम जो मर्जी करें, there's nothing, there's no bad and nothing to be asked about, so I guess we can just pray for everyone and you know Allah सबके लिए बेहतरी करे।
बिसाइड दैट आई डोंट हैव एनी हार्ड फीलिंग फॉर एवरीवन, और जिन लोगों ने बुरे कमेंट भी किए हैं तो अल्लाह उनको बेहतर करे. आई डोंट वांट बैड फॉर एनीवन, सो मे ब्लेस एवरीवन इंशाल्लाह. तो मिस्टर आमिर एंड मिसेस आमिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया. और नाजरीन ये तो हमने कुछ बातचीत की इस खूबसूरत कपल से, और इनका जो सोशल मीडिया पे इनका चैनल है इनके मिसेस का, आप लास्ट में वहां पे विजिट कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा वहां पे मोटिवेशन मिलेगी. और इसी तरह से आप हमेशा खुश रहिएगा और हमेशा इसी तरह से मुस्कुराते दिखते रहिएगा. जी, अस्सलाम वालेकुम.